नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत छोटा और बहुत सरल जो अपने जीवन में बहुत आवश्यक है वह उपाय आप लोगों को बताते हैं। बहुत ही छोटा है, सरल है और करेंगे तो उसका फल अनंत है। वह क्या है कि मंत्र जो है भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन उन मंत्रों को भगवान शिव जी ने कीलित भी कर दिए। कीलित मतलब उनको ऐसा स्वतंत्र नहीं छोड़ा कि हर कोई मनुष्य उनको करे और उससे इस प्रकार गलत तरीके से उसका लाभ उठाने की कोशिश करे, इसलिए उनको कीलित भी कर दिए हैं। उनका उत्कीलन, उनको खोलना पड़ता है, फिर उनके जपने से वह फल प्राप्त होता है या शिव जी फल प्राप्त कराते हैं। लेकिन एक मंत्र ऐसा है जो कीलित नहीं है, वह बहुत सरल छोटा मंत्र है, उसको सभी लोग जानते हैं। वह है पंचाक्षरी मंत्र, शिव जी के पांच अक्षरों वाला मंत्र है, लेकिन लोगबाग उसको ओम नमः शिवाय के नाम से जानते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय जो है वो छह अक्षरों वाला मंत्र हो गया। मंत्र सिर्फ पंचाक्षरी जो है वो नमः शिवाय ये मंत्र है। इस मंत्र को जपकर बड़े बड़े सिद्ध संत साधु सिद्ध बन गए हैं। ये हमारे इस मंत्र की शक्ति है, सामर्थ्यता है, जिसको शिव जी ने कीलित नहीं किया, इसलिए वह सरल है। उसकी विधि भी बहुत छोटी है। लोग सभी जानते हैं कि ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान शिव की पूजन करना चाहिए, सारे फल इससे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उसमें ओम नहीं लगाएंगे तो नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध है। इसके करने से, इस मंत्र के जाप से शिव जी का पूजन करने का अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। अब इसकी बहुत सरल विधि है जो शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। बात यह है कि किसी भी मंत्र को, किसी भी कार्य को यदि अपन सीधा और उल्टा करते हैं, जैसे आरी किसी लकड़ी या पेड़ काटने के लिए आरी आगे और पीछे चलाते हैं, इस प्रकार से उसको लोम प्रतिलोम बोलते हैं, रिवर्सिबल, तो उससे उसमें ज्यादा शक्ति घर्षण से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इन मंत्रों का भी कार्य है। इनको भी आप अनुलोम विलोम में जाप करेंगे तो वह आपके शरीर में, आपके अंतरात्मा में बहुत तेजी से ऊर्जा उत्पन्न कराने वाला मंत्र हो जाता है और वही एक सिद्धि का कारण बनता है। तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र साधारण मंत्र दिखने वाला, लेकिन इसका असाधारण फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। शिव जी शिवलिंग हो या शिव जी की मूर्ति हो, माता पार्वती के साथ गणेश जी हो, कार्तिक जी हो, इस प्रकार की मूर्ति यदि आपके पास है, नहीं है तो फोटो से भी काम चला सकते हैं। एक दीपक जलाइए घी का, सुगंधित धूप अगरबत्ती लगाइए, माता जी शिव जी से प्रार्थना करिए कि मेरे इस क्रिया, इस विधान में जो भी गलतियां हैं उन्हें आप क्षमा करें और इस मंत्र जाप का फल प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके, संकल्प करके कि हम मैं इस कार्य के लिए, यह कार्य आपका, तो पंचाक्षरी मंत्र में पांच अक्षर हैं, इसलिए उसका विधान जो है पुरस्चरण सवा 5 लाख मंत्र जाप का है। दोस्तों, यदि आप इस मंत्र को 5.25 लाख विधान के साथ करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला होगा। ये मेरा आपसे स्वयं के अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। इस सरल से मंत्र को आप जप करिए और इससे लाभ उठाइए, शिव जी के अभिषेक पूजन करिएगा। नमस्कार।